जापान में अभी अभी एक भयंकर उल्कापिंड के टुकड़े गिरने की वजह से वहां पर सुनामी और भूकंप की जो लहरें उठी हैं उसकी वजह से जापान के दो शहर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, और साथ ही साथ पूरे जापान में इस समय हाई अलर्ट लगा दिया गया है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इस समय उल्कापिंड गिरने की वजह से जापान में आई भयंकर तबाही, मचा महाप्रलय, और लोगों ने बताया कि आया तबाही का देवता। आपको बता दें कि अभी अभी जापान में जो भयंकर उल्कापिंड का एक टुकड़ा गिरा है उसका वजन लगभग 200 टन बताया जा रहा है, और जिसकी लंबाई लगभग 500 से 550 मीटर बताई जा रही है। जब इतना बड़ा और इतना भयंकर उल्कापिंड जापान के पास जा कर के गिरा तो उसकी वजह से जापान के लगभग दो शहरों में भयंकर भूचाल आ गया। वहाँ पर जैसे ही उस उल्कापिंड ने अपनी दस्तक दी वैसे ही वहाँ की धरती कांप उठी, और लगभग 8 से 9 शहरों तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लेकिन भयंकर तबाही और मौत का तांडव सिर्फ और सिर्फ जापान के दो शहरों में ही हुआ। आपको बता दें, इतनी बड़ी खबर जब से निकल कर आई है दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए हैं। साथ ही साथ जापान के आसपास के देश, कोरियन कंट्री और साथ ही साथ आसियान देशों ने भी अपने यहाँ पर हाई अलर्ट लगा दिया है, और इस समय जापान में पूरी तरीके से इमरजेंसी के माहौल बने हुए हैं। तो क्या है पूरी खबर? आखिर जापान में वह उल्कापिंड का टुकड़ा कैसे गिरा, और साथ ही साथ जापान के साथ साथ अब किन किन देशों को हो जाना है सावधान, और जापान में कितने लोगों के मारे जाने की आई खबर, जानेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से इसी वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जापान में आए इस भयंकर तबाही के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी अभी जापान की न्यूज़ एजेंसियों में यह खबर बहुत ही तेज़ी गति से प्रसारित की जा रही है कि जापान के दो शहरों पर उल्कापिंड गिरने की वजह से वो दोनों शहर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। यही नहीं, उल्कापिंड गिरने की वजह से वहाँ पर जो सुनामी की लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर ऊंचाई वाली लहरें उठी उसकी वजह से जापान के बड़े बड़े बिल्डिंगें भी धराशाही हो गए और लोग इधर उधर भागने लगे। उस उल्कापिंड के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत थी कि उस उल्कापिंड ने जो जापान में मौत की तबाही और साथ ही साथ जो महाप्रलयकारी विनाश वहां पर लाया है उसे देख करके कई सारे वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आपको बता दें कि जापान में गिरे इस उल्कापिंड का भार इतना ज़्यादा था कि वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ की सड़कें, साथ ही साथ वहाँ के ब्रिज भी देखते ही देखते मानो चकनाचूर हो गए, धराशाही हो गए। आपको बता दें कि दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों द्वारा यह बताया जा रहा है कि जापान में अभी तक का यह सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर भूकंप और सुनामी था, और जापान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सुनामी और भूकंप एक साथ आ जाएं।